अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इकरा हियर एंड वेलकम टू द जावेद पब्लिशर्स। और आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टू न्यू लेटर्स एंड दीज लेटर्स आर Q and R। और आपको पता है कि व्हाट इज़ द साउंड ऑफ क्यू? द साउंड ऑफ क्यू इज ख्वा ख्वा। एंड द साउंड ऑफ आर इज र। अब आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िए ख्वा ख्वा। आप सिर्फ आप लोग पढ़ के बताइए। गुड। नाउ आर का साउंड है र र। आप लोग पढ़ के बताइए। गुड। नाउ ओपन योर बुक एंड लुक हियर, व्हाट इज दिस? क्यू ख्वा ख्वाइल। क्यू ख्वा ख्वाइल, दिस इज द बर्ड। एंड नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। क्यू ख्वा ख्विल। क्यू ख्वा ख्विल, this is the quill. Now look at the third picture. The third picture is q qua queen. Q qua queen, this is the queen. Do you remember when we were reading that word k, we have learned about the king, aur king ke sath kaun hoti hai? Queen. So this is what the queen is. Q qua queen. Now look at the next picture. Q qua quilt. Q qua quilt. Aur aapko pata hai ki when we use the quilt, we use the quilt when it's cold. Usually sardiyon mein ya AC mein we use the quilt. We use the quilt. So this is what the quilt is. Ab aapne isi tarah ek ek letter ko padhna hai, ek ek word ko padhna hai with the sound. Q khwa quilt, Q khwa queen. Aur aapne sare sound isi tarah padhne hain. Now move on to the next letter, that is R. Now look here, R, and the sound of R is r. See, R, r, rabbit. R, rabbit. This is a rabbit. और आप ऐसे किस किस को रैबिट पसंद है और किस किस ने रैबिट को एज अ पेट अपने घर में रखा हुआ है, आप लोग मुझे बताइए। Now look here, what is this? R, rose. Rose, rose. What is a rose? Rose is the flower. आपको याद है हमने पीछे पढ़ा था F, flower. तो मैंने कहा था I love jasmine. So this is the another flower, that is the rose. R, rose. Now look here, what is this? This is rice. Rice. और आप में से किस किस को rice बहुत पसंद है और कौन rice नहीं खाता, मुझे आप लोग सब बताइएगा। और the last picture is R, rocket. This is the rocket. और rocket कहाँ होता है? खला में। और अब बात करते हैं Q और R की writing formation। तो Q, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ राउंड जीरो सर्कल और उसके बाद सेंटर में से आपने एक लाइन नीचे कर देनी है। दिस इज हाउ द Q लुक लाइक। स्मॉल Q, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द हाफ सर्कल, उसके बाद एक लाइन स्ट्रेट नीचे ले जाके नीचे से कर्व दे देना है। दिस इज हाउ द स्मॉल Q लुक लाइक। R, आपने फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है हाफ पोर्शन पे सेमी सर्कल, उसके बाद नीचे से लाइन ले जानी है। This is how the capital R look like. A small R, straight line draw करें, उसको center point में से curving करके ये ऊपर ले जाइए। This is how the small R look like. अब बात करते हैं writing skills की। बच्चों को writing skills develop करना बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप different tasks कर सकते हैं, games खेल सकते हैं और writing skills improve करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप game खेल सकते हैं। आप क्लास को दो ग्रुप या तीन ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए, एक को क्यू दे दीजिए, एक को आर लेटर दे दीजिए और एक को क्यू आर लेटर दे दीजिए। सो एक ग्रुप क्यू से रिलेटेड वर्ड बोलेगा या लिखेगा, एक वर्ड आर से रिलेटेड वर्ड बोलेगा और लिखेगा, और एक क्यू और आर मिक्स अप रिलेटेड वर्ड बोलेगा। इस तरह बच्चों के अंदर क्यू और आर की पहचान भी होगी और उन्हें लिखना भी आएगा। उसके साथ साथ आप एक और गेम खेल सकती हैं, फ्लोर मैट बना दीजिए चॉक के थ्रू, डिफरेंट लेटर्स बच्चों से लिखवाइए और वन बाय वन बुलाइए बच्चों को और वो क्यू और आर पे जंप करेंगे। उसके साथ साथ आप सेंट ट्रे सॉल्ट ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि आप जावेद पब्लिशर्स की राइटिंग बुक भी यूज़ कर सकती हैं। कुछ पार्ट आप घर में करवा दीजिए, कुछ होमवर्क के लिए दे दीजिए, इस तरह बच्चों की राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। Thank you so much for watching the video. I hope you have learned the letter Q and R. You know the vocabulary of Q and R. You know the sound of Q and R. So, apna apne pyaron ko bahut zyada khayal rakhiyega aur jude rahiye bolti kitabon ke sath.